आप तमाम नाज़रीन का एच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। आज 23 मार्च बरोज़ जुमेरात के रोज़ खैरदाबाद के MLA दानम नागेंद्र ने फिल्म नगर चौराहे जुबली हिल्स में पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के मसाइल पर महाधरने का इनेकाद अमल में लाया। इस धरने में तमाम हलके के TRS कायदीन, कॉरपोरेटर्स और कारकुनान ने हिस्सा लिया और ख़वातीन की कसी तादाद भी इस धरने में हाथों में प्ले कार्ड थामे नजर आई। MLA नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए BJP पार्टी के सदर बंडी संजय को वार्निंग दी और उन पर नुक्ताचीनी की। वैसे भी नाजरीन, पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों ने अवाम के माली बोझ को बढ़ा दिया है। पहले ही अवाम लॉकडाउन जैसे मराहिल से उभरने की कोशिश कर रही थी, अब इस महंगाई ने अवाम पर माली बोझ बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं इस धरने के कुछ मनाजिर और दानम नागेंद्र की जुबानी सुनते हैं मजीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। में फीस रीएम्बर्समेंट देख लो, स्कॉलरशिप देख लो, ओवरसीज स्कॉलरशिप देख लो, हर चीज़ में ये पूरे स्कीमों में आके लोग चिक्का बांटते, किसका बाप का है बोल के बांट रहे हो। तो हमारा बाप का है ना, KCR साहब का है ना, तो ये लोग जो है हमारा स्कीमों में आके और हमको बोलते हैं कि सुनहरा तेलंगाना नहीं बना, सुनहरा तेलंगाना बना नहीं, हवाम बोलते तू क्या बोलने का है। तो इसीलिए हम लोग ज़रूर जवाब देंगे उसको। मोदी के सरकार चुनाव में जब जब इंतखाब आता, इंतखाब में सब फ्री बोलता हूँ। जिस तरह यूपी इलेक्शन के पहले मोदी, अमित शाह, उनके पूरा JP नड्डा, वो अड्डा उड्डा सब लोग मिलके क्या करें, ये लोग इधर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि सब लोगों को गैस फ्री बोल के, गैस तो दे दिए फ्री में, दिए कि नहीं कि मेरे को तो नहीं मालूम, यूपी के लोगों को पूछना पड़ता जाके। फिर वहाँ पर एक गैस देने के बाद में अभी गैस का भाव बढ़ा दिया, क्या मतलब हुआ उसका, एक हाथ लेना दो हाथ से खींच लेना। गरीबों को जीना आराम कर दिया है मोदी सरकार आने के बाद में। आज गरीब जो है अपना पेट पकड़कर कितना कितना दूर उनसे आकर जो है अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत कर रहे, उनके मेहनत के ऊपर पानी फेर रहा है जो सरकार। इस सरकार को जो है मुँह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। आज हमारे जो महिला का शक्ति है, महिला का शक्ति को अभी उन्होंने मोदी साहब नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने बोलते, उनके घर में कोई नहीं है ना लेडीज़, बीबी रहे तो मालूम होता था। बीबी रहे तो बोलती थी अरे गैस का भाव बढ़ गया, अरे बाबा किधर जा रहा बोल के गाली देते थे। घर में बीबी नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा परेशानी है उनको। तो घर में बीबियाँ रहे तो बोलते अरे गया रे बाबा, गैस का बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, तरकारी लेने को रेट बढ़ गया बोलते। लेकिन मोदी को सब नहीं मालूम ना, उसके लिए मोदी को अभी जवाब देंगे हमारे पूरे लेडीज। सब बंडी संजय प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना, हाँ वही बोल रहा हूँ, तेलंगाना के तालुक से बोले आने वाले समय में तेलंगाना गोलकुंडे में तिरंगे के बाजू उनका झंडा लहराते बोल के बता रहे थे। अब ये लोग कहीं भी चढ़ा तुम बोलते झंडा का उसका कोई वैल्यू है क्या, उसका झंडे का उसका, और उसका बंडी साहब बोला ना पुराने जमाने में अपने घरों के सामने आते थे, वो क्या बोलते थे कि पिटलों द्वारा बोल के आते थे तुम्हारे, उसमें क्या बोलते कि वो इतना स्टोरी बोलता था उन्हें, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बंडी संजय क्या है, बिल्ली के काबे चिचड़े चिचड़े सर का है बंडी संजय का। आज बंडी संजय जिस तरीके के साथ जो लोगों को वो ये करने का, गोलकोंडे पे चढ़ाते उसके ऊपर चढ़ाते, अरे तेरा पास दम है तो उधर जाके चढ़ा रहे बाबा, इधर क्या चढ़ाता। अब आने वाले दिनों बंडी संजय पहला तो उन्हें हार जाने वाला है, अब जब उसके बाद में मालूम होता बंडी संजय कहाँ झंडा चढ़ाता, पहला अपना घर पर झंडा चढ़ा लो बोलो, बाद में देखेंगे गोलकोंडे। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब देखे थे KCR साहब, सिल्वर तेलंगाना भी नहीं बना बोल के ऐसा बता रहे थे। अब मैं बोला ना, जब जिसको अंधे को क्या बता सकते अपन, अब वो एक कहावत भी है, वो क्या बोलते हैं कौन सा पुल है मल्ले पुल, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, सिपेत पुल, मोतियाबाग का बाग, उसको क्या मालूम बास उसको, अब क्या बोलना उसको, गधे को क्या मालूम ऐसा है। तो
तो उसके लिए आज जो है तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बना नहीं, अवाम को मालूम है, तेलंगाना के अवाम को मालूम है। आज जितने भी स्कीम्स तेलंगाना में आए, हर घर में किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा हुआ। आप चावल के भाव में अगर देखो, बारीक चावल के इसमें